Also, blue vitriol. Like copper sulfate, five water. In the same way, ferrous sulfate, seven water. These all of the molecules have water of crystallization. Copper sulfate, when it has five waters with it is blue in color. Okay? We have done in first chapter also. In the same way, ferrous sulfate, seven water, it is having green color. You have been in the first chapter again when you have done thermal decomposition. When you have heated ferrous sulfate, it is green in color, it loses the color and water of crystallization. Further heating result in ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. ठीक है, ये हम फर्स्ट चैप्टर में बॉन्डिंग इज नॉट इन द सिलेबस बेटे. फॉर्मूला के साथ लगे, वन फॉर्मूला के हाइड्रेटेड कंडीशन में लगे. ठीक, ये कोई रिएक्शन नहीं बनाई इन्होंने, इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन किए, उड़ सकते हैं. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कैन इवेपोरेट, इट इज नॉट किसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या नहीं दिए हैं. जब इसके पास पास लगते हैं तो देयर इज अबंडेंस अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व. ठीक है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन इनथैल्पी. अभी मैं मॉलिकल को तोड़ के अंदर आई विल एक्सप्लेन इट, वेरी डिफिकल्ट. ठीक है, अगेन आप फेरस सल्फेट सेवन वाटर इज ग्रीन इन कलर. जब आप इसको हीट करते हो इट विल बिकम व्हाइट इन कलर. अगर कॉपर सल्फेट फाइव वाटर जिसमें है दैट इज ब्लू इन कलर, उसको हीट करोगे तो यहाँ पे आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एज ए ड्रॉपलेट नजर आएंगे. तो आपको पूछा भी जाता है एग्जाम में, जब हम फेरस सल्फेट की बात करते हैं कि जब फेरस सल्फेट को आप हीट करते हो तो क्या ऑब्जर्वेशन आपको नजर आती है. तो आप पहली ऑब्जर्वेशन यही लिखते हो कि हमें टेस्ट ट्यूब के अराउंड वाटर ड्रॉपलेट नजर आती है. द ऑब्जर्वेशन वो चीज होती है जो हमें नजर आ रही है. उसके बाद आपको स्मेल आनी शुरू होती है सल्फर लाइक गैसेस की. ठीक है, जो सल्फर डाइऑक्साइड की है या सल्फर ट्राइऑक्साइड की है तो सल्फर की स्मेल आनी शुरू हो जाती है. तब केमिकल डिकम्पोजिशन पहुंच जाती है. पहले सिर्फ इवेपोरेशन होती है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग होता है. ठीक है, गॉट द पॉइंट. कॉपर सल्फेट फाइव वाटर सेवन वाटर साथ में लगा ही हुआ है. इन द सेम वे वॉशिंग सोडा में कल किया था, सोडियम कार्बोनेट के साथ हमने कितने वाटर निकाले थे, 10. जरूरी नहीं है जिसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो वो कलर्ड हो. और आयरन जैसे जो मॉलिक्यूल हैं दैट इज फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड यू विल डू इन हायर स्टैंडर्ड. डी इनके पास डी, ये देखो डी, ये डी ब्लॉक करते हैं इनको. दैट इज आई सेड इट इज बियॉन्ड योर सिलेबस. दिस इज अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड गोइंग ऑन हियर. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइज जब क्रिस्टलाइजेशन होती है तब वाटर ट्रैप हो जाता है इनकी. वो तो पाउडर रहेगा ही, वो तो उसकी अपनी फॉर्म है. देखो, अगर देखो ध्यान से, कॉपर कहाँ पड़ा है, ग्रीन वाला ब्लॉक देखो ग्रीन, वहां ही आयरन पड़ा है ना. लाइट जो ऊपर देखो बेटे, फोर्थ पीरियड में सीयू और आपको नजर आ रहा होगा एफई. ठीक है, जनरली जो इस ब्लॉक में पड़े होते हैं वो कलर्ड होते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर एक्साइट होते हैं और जब व्हेन दे विल कम बैक दे विल एमिट सम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी एंड यू विल परसीव सम काइंड ऑफ कलर्स. सोडियम इज इन दैट ग्रुप, जस्ट इन द फर्स्ट ग्रुप. ठीक, थर्ड पीरियड फर्स्ट ग्रुप एन ए. ठीक, दैट इज नॉट अ कलर्ड जब वो कंपाउंड बनाते हैं जनरली दैट इज नॉट अ कलर्ड. जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो बीच में पड़ा है
जो फोर्थ से लेके सेवंथ पीरियड के जो दो ब्लॉक छोड़ के ग्रीन कलर शुरू होती है एस सी से, दैट इज कैंडियम, उनके जो एलिमेंट्स है जनरली कलर्ड होते हैं, ठीक है। सेम इज इन दिस वे फॉर्म, इनमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, यू विल डू इन द हायर स्टैंडर्ड्स। अब ये समझो कि जब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेट करता है तो आपको कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का बन जाता है, उसे हम बोलते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। जब तक वाटर लगे हुए हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है। इन द सेम वे जब तक फेरस सल्फेट के अराउंड वाटर लगे हुए हैं दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरस सल्फेट, और जब आप वाटर निकाल देते हो, हाइड्रस वर्ड कम फ्रॉम वाटर, अब जब वाटर निकाल देते हो दैट इज फॉर्म ऑफ एनहाइड्रस, ठीक है। एनहाइड्रस जैसे हम ये करते थे तो हम ये क्या करते थे कि FeSO4 से क्या मिलता है, FeSO4 प्लस 7 वाटर, पहले वाटर अलग होते हैं तो ये अपना कलर लूज कर देता है फ्रॉम ग्रीन टू व्हाइट। इन द सेम वे कॉपर सल्फेट फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट, दैट इज दिस इज नोन एज ब्लू विट्रॉल, पंजाबी से कहते हैं नीला थोथा है नो, एंड इट इज अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक। देन अगेन ग्रीन कलर इज ऑफ फेरस सल्फेट सेवन वाटर, इट इज नोन एज ग्रीन विट्रॉल, ठीक है। जब ऐसी चीजों को आप हीट करते हो इनिशियली इनसे वाटर निकल जाता है, और अगर इनमें वापस वाटर डालोगे तो अगेन दे विल फॉर्म हाइड्रेटेड, ठीक है। दे विल अगेन फॉर्म हाइड्रेटेड मीन्स इट विल अगेन गिव इट्स ब्लू कलर, ठीक। नाउ टॉकिंग अबाउट बेटे जिप्सम एंड पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, लास्ट टॉपिक। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट टू वाटर, दिस इज कैल्शियम सल्फेट हैविंग टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब एक फॉर्मूला यूनिट के साथ दो वाटर लगे हुए हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला यूनिट के साथ दो वाटर लगे हुए हैं, जब इसको हीट करते हो 100 डिग्री सेल्सियस, और आपकी बुक्स में ऐसे लिखा होगा, दैट इज इन कैल्विन 100 का ही फर्क है, 273 में 100 प्लस करें तो यू कैन राइट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। When you have done heating, तो आपको इस जिप्सम से, फ्रॉम दिस जिप्सम यू विल गेट वट इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट मीन्स हाफ हाइड्रेट, दिस इज द अदर नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज अ कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, इट डजंट मीन कि आधा मॉलिक्यूल लगा हुआ है वाटर का, इट मीन्स दो, अगर हम मॉलिक्यूल कैल्शियम सल्फेट लेंगे उसके साथ एक मॉलिक्यूल लगा होगा बेटे। ये सिर्फ फॉर्मूला राइटिंग का होता है कि कैसे लगा है, मगर आप एक अगर बिकर में पीओपी रखी है मैंने, ठीक है, उस बिकर में अगर रखी है तो एक कैल्शियम सल्फेट नहीं है एट ए टाइम, देयर आर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट, समझ आ गई। दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला राइटिंग द वे, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक शेयर होगा उस टाइम, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में वैसे भी देयर इज अ क्रिस्टल लैटिस, अगेन यू विल डू इन हायर स्टैंडर्ड, एक आयन को आप जैसे NaCl है, आप लिखने को NaCl लिखते हैं, मगर जब उसका असली क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर देखते हो तो एक Na को एट ए टाइम 6 क्लोरीन सराउंड करते हैं, और एक क्लोरीन को एट ए टाइम 6 सोडियम सराउंड करते हैं, वो हम +1 +2 में करेंगे, ठीक है। मगर हम अभी कैसे लिखते हैं NaCl, ठीक है, क्योंकि एक सोडियम को 6 क्लोरीन सराउंड कर रहे हैं, 6 सोडियम को 1 क्लोरीन सराउंड कर रही है,
ये स्ट्रक्चर बन जाते हैं, क्रिस्टल लैटिस बन जाते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल कभी नहीं होता एक बीकर में, मिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी डालते हो, जब किसी को फ्रैक्चर होता है वो हार्ड हो जाता है, तो अब इसको फ्रैक्चर बोन की फ्रैक्चर में यूज किया जाता है। पीओपी सीलिंग में, जो आजकल तो डाउन सीलिंग का फैशन हो गया, पहले उसका ही फैशन था, है ना। तो पीओपी का ही फैशन था, जब था तो वो बहुत डेकोरेट करवाते थे उसके साथ, ठीक है। दीज आर द सर्टेन यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। द चैप्टर इज हेंस फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर विल गोइंग टू बी स्टार्ट विद मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एंड फ्रॉम दैट एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल पोर्शन इज बीइंग डिडक्टेड बाय द सीबीएसई। दे थिंक दैट यू आर पुअर इनफ टू स्टडी इन ऑनलाइन क्लासेस। दिस सी सीबीएसई आपको क्या समझ रही है? यू आर हैप्पी सिलेबस डिडक्ट हो रहा है, 5 चैप्टर में भी इतना इतना डिडक्ट करके दे रहे हैं आपको, बिकॉज यू आर जस्ट पुअर स्टूडेंट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। ये सिर्फ उनके ऊपर तरस है बेटे जिनके पास कैमराज एंड फोन नहीं है, और ऐसे बच्चे फायदा उठा लेते हैं जिनके पास पूरे गैजेट होने के बावजूद पढ़ना पसंद नहीं, दे वॉन्ट टू प्ले गेम्स एंड इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। द टेम्परेचर, दिस इज नॉट अ कैटलिस्ट, दिस इज अ टेम्परेचर बेटे। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्वाइट, सिट डाउन सर। कहाँ फिक्स करनी है दिखाओ जरा मुझे। हाँ दिखाओ, बैठे बैठे यहाँ फिक्स करो, पीछे करो, इतनी बड़ा अपना इश्यू नहीं है ये। आप इधर बैठो और इसलिए कुछ जगह दो, आप उधर जाओ। चलो ये दिस थिंग्स विल सी इन 8th स्टैंडर्ड ओनली, कि आप घूमो फिरो जाओ, हम नहीं। हम लास्ट बेंच, गो टू द लास्ट बेंच देन। सी बेटे, दीज आर द टेम्परेचर कंडीशन, व्हाट इज रिटन ऑन द एरो। लिसन टू मी केयरफुली। इन केमिस्ट्री, जैसे अगर मम्मा घर पे आपको सब्जी बनाने को दें, तो सब्जी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? टर्न चाहिए, क्वाइट, एक आपको घी या पानी चाहिए होते हैं, और एक आपको टेम्परेचर कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो कुछ रिएक्शन सिर्फ टेम्परेचर कंडीशंस के साथ ही हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें को इसको तो हमने जलाना ही था, तो इसको सिर्फ हमने हीटिंग दी। मगर कुछ रिएक्शंस को के लिए हम हीटिंग नहीं देख सकते, क्योंकि हमारे रिएक्टेंट क्या होते हैं बेटे, जल जाते हैं। तो कई बारी एरो पे सॉल्वेंट मेंशन होता है। सॉल्वेंट वो चीज होती है जिसमें आपके रिएक्टेंट को घोला जाता है, जैसे कि आप सब्जी बनाने के वक्त ऑयल या वाटर डालते हो। अगर वो ऑयल और वाटर ना डाला जाए तो आपकी सब्जी जल जाएगी। एरो पे क्या क्या चीज मेंशन होती है आपको पता होना चाहिए, डिपेंडिंग आपका रिएक्शन कैसे है, ठीक है। अगर हमने दो सॉलिड में रिएक्शन करवानी है, अगर वो दो सॉलिड हमने अपने बीकर में ऐसे ही डाल दें तो वो जल जाएंगे, वो डीकम्पोज हो जाएंगे। तो उसके बीच में हम सॉल्वेंट ऐड करते हैं जिसमें वो घुल जाए, और सॉल्वेंट वो ऐड किया जाता है जो इनर्ट हो। इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्शन मिक्सचर के साथ रिएक्ट ना करें, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इनर्ट सॉल्वेंट। ये नहीं कि आप ऐसा कुछ ऐड कर दो कि वो उसके साथ ही रिएक्ट कर सके। आप हमेशा वाटर नहीं लेते हो, यू विल नॉट ऑलवेज टेक वाटर फॉर द रिएक्टेंट, सो मेनी सॉल्वेंट विल बी देयर, ठीक है। क्लास प्लस वन में सो मेनी रिएक्शंस विल बी देयर, एरो के ऊपर बहुत कुछ आएगा, ठीक। तो यू शुड बी अवेयर क्या क्या आपको नजर आता है एरोस पे। फिर उसके बाद कई रिएक्शंस होती हैं जो अपने आप नहीं होती, उनके लिए आपको चाहिए होता है बेटे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या चीज होती है? कैटलिस्ट वो चीज होती है कि जो रिएक्शन को स्पीड अप करती है, मगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती। कैटलिस्ट वो चीज है जितनी की वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को स्पीड अप करती है, उतनी ही वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन को स्पीड अप करती है, ठीक है। अगर मैं एक ग्राफ की फॉर्म में दिखाऊं,
जो रिएक्शन, मान लो ज्यादातर रिएक्शन कब होती है, देखो ये आपकी रिएक्टेंट है, ये एनर्जी कर्व होती है, दिस इज एनर्जी कर्व, ठीक है, ये आपकी रिएक्टेंट है, दिस इज रिएक्टेंट आर। अब इसने कुछ एनर्जी बैरियर क्रॉस करना होता है और यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ पे क्या बने, प्रोडक्ट। अगर ये एनर्जी बैरियर ना हो तो पेट्रोल को तो आग लग जाए, ठीक है। कुछ आप एनर्जी सप्लाई करते हो, एक पीली चाय लगाते हो तो वो रिएक्शन हो जाती है। अब केमिस्ट्री में टू टाइप की रिएक्शन होती है, एक स्पॉन्टेनियस और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे कि पेट्रोल को आग लगना वो स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप होती है बेटे, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको थोड़ी सी एक्टिवेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में अगर मैं बोलूं बारिश का पानी, वो अपने आप नीचे आएगा, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस थिंग। अगर मैंने पानी ऊपर से अपनी टंकी में रखना है तो मुझे मोटर ऑपरेट करनी पड़ेगी, दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस थिंग, जिसके लिए हमें कोई ड्राइविंग फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए होती है। कुछ रिएक्शंस केमिस्ट्री में ऐसे होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं, उनको मिनट्स नहीं लगते, जैसे कि पेट्रोल को आग लगना, जितनी भी आयनिक रिएक्शंस हैं जिनमें आयंस बनते हैं वो जल्दी हो जाती हैं, ठीक है। कुछ रिएक्शन होती है जिनको बहुत ज्यादा कैटलिस्ट की जरूरत होती है, उनका एनर्जी बैरियर बहुत बड़ा होता है, दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो क्रॉस करने के लिए आपको कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है। अब कैटलिस्ट ये नहीं है कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन को, अभी जूनियर स्टैंडर्ड्स में आप सिर्फ यही करते हो कि केमिकल चेंज है जिसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, यही पढ़ते हो, पर रियल केमिस्ट्री ये नहीं है। केमिकल रिएक्शन फॉरवर्ड भी होती हैं बेटे, कोई बैकवर्ड भी होती हैं। अगर N2+H2 अमोनिया बनती है तो अमोनिया से N2+H2 भी बन सकता है, तो देयर आर सर्टेन रिवर्सिबल रिएक्शन ऑल्सो। तो जो कैटलिस्ट करता है वो जितनी फॉरवर्ड डायरेक्शन का ये ग्राफ नीचे लेके आता है, उतनी ही बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए भी ग्राफ नीचे आता है। कैटलिस्ट आप डालते हो, ठीक है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा, कोई टीचर बैठ के समझा रही है, एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करके, शी इज वर्किंग एज अ कैटलिस्ट, ठीक है, आपका एनर्जी का ग्राफ नीचे आ रहा है उस टाइम, मगर आप सुन ही नहीं रहे तो बैकवर्ड भी चला जाना है। तो आपको कैटलिस्ट, वो स्पॉन्टेनियस है, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस, दैट इज वाई आई एम सेइंग देयर आर टू टाइप ऑफ द रिएक्शन, वन इज स्पॉन्टेनियस, अदर वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू गिब्स फ्री एनर्जी इन द हायर स्टैंडर्ड्स। तो अभी तक तो ये ही नहीं समझ आएगी फॉर्मुलेस क्या है। तो अभी जो हमने एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर किया है बेटे, एसिड आपने सिर्फ एक ही कंसेप्ट किया है, दैट इज आर हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अकॉर्डिंग टू दैट कंसेप्ट एसिड क्या होते हैं, जो एच प्लस देते हैं, बेस क्या है, जो ओ एच नेगेटिव देते हैं। एसिड मेटल के साथ रख के हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट करेंगे जो पॉप साउंड देंगे। एसिड अगर आप बेस NaOH के साथ रिएक्ट करते हो तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेंगे। अगर आपके बेसिस कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स के होंगे, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो मेटल एसिड में से हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे, ठीक है, ये सारी ऑनलाइन क्लासेस की बातें हैं। फिर बेसिस आ जाओ बेटे, बेसिस वो होते हैं जो OH नेगेटिव देते हैं, बेसिस वो हैं OH नेगेटिव, ठीक। तो इसकी भी आपने थोड़ी थोड़ी रिएक्शन करी है, जैसे कि जिंक की NaOH के साथ N2ZnO2 बनता है, जिंक की एल्यूमिनियम की NaOH के साथ सोडियम एल्यूमिनेट बनता है NaAlO2। ये सारी रिएक्शन आपने ऑनलाइन क्लासेस में कर ली है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट किया है कि आपने जब एसिड और बेस डाइल्यूट करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन H+ और OH नेगेटिव की डिक्रीज होती है, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम वहां पे H+ डिक्रीज हो गए,
मान लो ये मेरे पास ये बॉटल है, गिव मी दिस बॉटल, इसमें मैंने एसिड डाला है, ठीक है, हाफ बॉटल भरी हुई है, अज्यूम इट, अब इसको मैंने फुल भर दी, ठीक। अब इससे क्या हुआ, जो एच प्लस साइन जहां पे मैंने पकड़ी हुई है इतने एरिया में थे, अब एच प्लस साइन पूरी बॉटल में आ गए, पर यूनिट वॉल्यूम में जहां से मैं पकड़ी हुई है उसके नीचे नीचे तो एच प्लस साइन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, ठीक है। जब आप वाटर ऐड कर दोगे तो एच प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी बेटे, डिक्रीज होगी, ठीक है। वैसे ही ओ एच नेगेटिव की, यहां तक मैंने बेस फिल किया है, यहां तक ओ एच था जहां से मैंने पकड़ा था उसके नीचे नीचे, जैसे वाटर मैंने ऐड किया ओ एच नेगेटिव पूरी बॉटल में आ गए, पर नीचे नीचे तो यूनिट वॉल्यूम में तो कॉन्सेंट्रेशन कम हुई, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कि यूनिट वॉल्यूम में एच प्लस और ओ एच नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज। फिर आपने डाइल्यूशन पढ़ी, जब भी किसी भी एसिड और बेस को आप डाइल्यूट करते हो या कभी कभी आप कुछ भी करते हो, डाइल्यूट वाटर डाला है तो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। तो हम क्या करते हैं, हम एसिड में पानी नहीं डालते, हम पानी में एसिड डालते हैं, क्योंकि आपकी स्प्लैश आउट ना हो और आपके फेस पे ना गिरे, ठीक है। फिर हमने पीएच की बात करी, पीएच 7 न्यूट्रल था, लेस देन 7 एसिडिक था, मोर देन 7 बेसिक, ठीक। बेसिक आपका ब्लू से वायलेट की तरफ बहुत डार्क हो जाता है, जो एसिडिक होता है वो रेड की तरफ चला जाता है। पीएच हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे इफेक्ट करती है, एसिडिटी हो तो हम इनो ले लेते हैं बेस, डाइजिन ले लेते हैं बेस, गैसोफास ले लेते हैं बेस, अगर हमारे कैविटीज होते हैं तब भी हम बेसिक सॉल्ट यूज करेंगे, अगर हमें कोई वो काट जाए मधुमक्खी एंड ऑल तब भी हम बेस यूज करेंगे क्योंकि उसमें मीथेनोइक एसिड है, अगर हमारी सॉइल एसिडिक है तो उसमें क्विक लाइम डाल देंगे कैल्शियम ऑक्साइड जो कि बेसिक है, ठीक है। फिर हमने बात करी सॉल्ट की, सॉल्ट एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल होते हैं, एसिडिक वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बने होते हैं, बेसिक वो जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के बने होते हैं, और न्यूट्रल या तो वो दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे या दोनों वीक होंगे, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। फिर हमने ब्राइन से अपना बनाया NaOH, ब्राइन की करवाई इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमारे पास ब्राइन क्या था, नमक में पानी, पानी में नमक, ठीक है, दैट इज ब्राइन। कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रोलिसिस करवाई तो हमें एक बेस मिला, दो गैसेस मिली, उसी ब्राइन को लेके मतलब नमक में पानी डाल के अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई तो अमोनियम बाइकार्बोनेट मिल गया, उस अमोनियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो हमारा वॉशिंग सोडा तैयार होने शुरू हो गया, तो सोडियम कार्बोनेट मिल गया, सोडियम कार्बोनेट में हमने 10 वाटर ऐड किए तो वॉशिंग सोडा इज रेडी। लास्ट सॉल्ट कौन सा किया हमने, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, जब इसको हीट किया तो हमारे पास क्या बना, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द कंडीशंस इन द रिएक्शन, कैटलिस्ट एंड द सॉल्वेंट। एरो पे हमेशा कैटलिस्ट नहीं होता, इसमें जो लिखा है दैट इज ओनली द टेम्परेचर कंडीशन, कैटलिस्ट वो होता है जिसके ऊपर रिएक्टेंट एड्सॉर्ब होते हैं, एड्सॉर्प्शन होती है, एक सरफेस फिनोमिनन कि सरफेस के ऊपर उसके चिपक जाते हैं और उसके बाद उसे हट भी जाते हैं, ठीक है। एक आप बात करते हो एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन में कोई चीज जैसे अब स्पॉन्ज को मैं पानी में डालूं, अगर तो पानी अंदर गया बिल्कुल स्पॉन्ज के तो आप बोलोगे एब्जॉर्प्शन होगी, अगर पानी स्पॉन्ज के अंदर नहीं गया स्पॉन्ज के सरफेस पे रहा सिर्फ तो कहते हैं एड्सॉर्प्शन होगी। तो कैटलिस्ट किसी भी चीज के ऊपर एड्सॉर्ब होती है, उसके अंदर नहीं घुस जाती, वापिस हमें वैसे के वैसे निकलते हैं। और जब भी आप कैटलिस्ट यूज करोगे ना, जो डी ब्लॉक वाले होंगे ना, ये वाले ग्रीन ग्रीन, ये ही होंगे बस, या प्लेटिनम डालना होगा या पैलाडियम डालना होगा या आयरन का कोई कैटलिस्ट होगा, कैटलिस्ट ये ही एक्ट करते हैं।
और कोई नहीं एक्ट कर सकता क्योंकि इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन होती है। वेरिएबल क्या होती है बिल्डुइन, आई अंडरस्टैंड दैट, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करेंगे। एन अकेला पॉजिटिव है, कॉपर पॉजिटिव वन पॉजिटिव टू दोनों है, आयरन पॉजिटिव टू पॉजिटिव थ्री दोनों है, तो ये जो चेंज करते हैं ना ये कैटलिस्ट हैं बस। ये जनरली रेडियो एक्टिव है, फिर हमने क्या करें रेडियो एक्टिव कैसे यूज करें, इनके तो बहुत वेरिएबल, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। रेडियो एक्टिव मेटल के बाद कैसे डील करेगा तो? So the time is going to be up. Any doubt for the online students? Quiet. Quiet.